लिम्रा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान सभा में एक सांप घुस आया, जिससे वहां के माहौल में अफरा तफरी मच गई। इसे देखकर एक युवक ने हिम्मत दिखाई और डंडे से सांप को सभा के बाहर किया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार मिठवल ब्लॉक क्षेत्र के समोगरा गांव में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी समय अचानक मंच के सामने बैठे लोगों के बीच एक सांप घुस गया और इधर उधर भागने लगा। सांप को देखते ही लोग कुर्सियां छोड़ छोड़ कर भागने लगे। भरी सभा में भागते सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। उधर मंच से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा को संबोधित करते रहे। उन्होंने इस दौरान मंच पर लोगों से कहा कि सांप को मारना नहीं है, उसे बस भगा दो। हालांकि इसी बीच एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए एक डंडे के सहारे सांप को उठाकर सभा परिसर से बाहर कर दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिम्रा न्यूज के लिए जेबा अली की रिपोर्ट।